Mir Abdul Kalam Sahab baat kar rahe hain. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you Janab Speaker jo aaj jo mujhko mauka diya gaya Janab Speaker main अपनी तकरीर को पश्तो के एक शेर से शुरू करना चाहता हूं, चूंकि मेरा आज का तकरीर इस हालात में है और जनाब स्पीकर इसी मौजू पर है कि मैं मुनासिब समझता हूं कि मैं उस अपने तकरीर को एक शेर से शुरू कर लो जो पश्तो का एक शेर है जनाब स्पीकर. खालिक में का कारे सोच देता नदा पैदा करे, खालिक में ककारे सोच देता नदा पैदा करे, तंदया माताओं दे लगाओ मा खुदना. तो जनाब स्पीकर यहां पर बात हुई दहशतगर्दी के हवाले से, इसामुद्दीन के स्पीच के हवाले से शौकत खान ने तफसील से बात की, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी बात की, लेकिन जनाब स्पीकर यह बात किसने भी नहीं की. सबके सब ने यह कहा कि इस बंदे ने गलत बयानी किए, इसने दहशतगर्दी का अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन जनाब स्पीकर उस चीजों को कोई भी नहीं देखता. कि मैं आपके ऑफिस में भी गया, आपने मेरे साथ वादा भी किया, एक घंटा हो गया कि मुझे बात करने की मौका नहीं दिया जा रहा है. जनाब स्पीकर कल शाम को मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है. मैं अपनी जान की बात नहीं कर रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वजीरिस्तान में एक मुंतखब नुमाइंदा जो उसके साथ सिक्योरिटी भी होता है, उसके साथ पुलिस भी होते है, उसका यही हाल है कि मैं बाल बाल बच गया हूं, तो जनाब स्पीकर वहां पे रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा. जनाब स्पीकर हमारी बातों को आपने समझने की कोशिश करनी होगी. जनाब स्पीकर आपके जासूसी अदारे वजीरिस्तान में इतने बेलगाम हो गए जनाब स्पीकर कि कोई उसको लगाम नहीं लगा सकता. जनाब स्पीकर इतना बदमस्त हाथी बन गए हैं वो कि वजीरिस्तान के लोगों को रोज बरोज का रहे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर सिर्फ नामालूम का अल्फाज हमें यहाँ पे याद है और यहाँ पे मीडिया में भी आता है कि नामालूम ने ऐसा किया. लेकिन जनाब स्पीकर मैं ये इल्जाम लगाता हूँ, जनाब स्पीकर मैं ये वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है. जनाब स्पीकर फरवरी 2018 से लेकर आज के दिन तक सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान में 200 से ज्यादा टारगेट किलिंग के वाकयात हुए. जनाब स्पीकर एक वाक्य का तहकीकात नहीं हुआ आज के दिन तक. आपके जासूसी अदारों ने हमारे पड़ोसियों के मुल्कों के अंदर भी बर्बादी मचाई है. पाकिस्तान के अलावा तो छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तो छोड़े, कबायली इलाके के अलावा तो छोड़े, उसको 200 टारगेट किलिंग का उसे पता नहीं है. जनाब स्पीकर यहाँ पे दो बात है, अगर वो इतनी नाअहल है जनाब स्पीकर, अगर वो इतनी नालायक है तो जनाब स्पीकर इस एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है. अगर उसमें सलाहियत है तो क्यों 200 बंदों का आज के दिन तक एक ही बंदा मालूम न हो सका. जनाब स्पीकर हमने आज के दिन तक महजब तरीके से इस तरीके से सवाल में बात की है. जनाब स्पीकर हमने हर हवाले से मीडिया पर भी बात की है, हर जगह पर बात की है, लेकिन जनाब स्पीकर हमारी बात को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है. जनाब स्पीकर लेकिन मैं जनाब स्पीकर आज वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि आप ये हमारे रियासती अदारे जो इतने पहलगाम हो गए हैं जनाब स्पीकर के रोज रोज मुंतखब नुमाइंदों को कत्ल कर रहे हैं, रोज रोज हमारे कबायली मशरान को कत्ल कर रहे हैं. जनाब स्पीकर क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें? हयात बालूच के कत्ल, नकीबुल्ला शहीद के कत्ल, बशीर बेलोर के कत्ल, ताहिर दावड़ के कत्ल, आरिफ वजीर की कत्ल. जनाब स्पीकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इन हालात को हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिया, अगर इन चीजों पर
संजीदगी से गौर नहीं किया गया जनाब स्पीकर, तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान बना था, मगरबी पाकिस्तान भी था, मशरकी पाकिस्तान भी था। लेकिन जनाब स्पीकर इस तरह के रवैये जो हमारे साथ हो रहे हैं जनाब स्पीकर, इसने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम किया। जनाब स्पीकर मुल्क के आसमान से नहीं गिरते। जनाब स्पीकर इस दुनिया में पहले इतने मुल्क नहीं थे जो आज बने हैं जनाब स्पीकर। उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, वो महरूमिया होती है जनाब स्पीकर, कि वहां पे वजीरिस्तान में आरिफ वजीर को कत्ल किया गया। आपके खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का आईजी का बयान आता है कि इसने अफगानिस्तान में एक इंटरव्यू दिया था, इसलिए उसको कत्ल किया गया। जनाब स्पीकर आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो हमें बताए जनाब स्पीकर, मैंने काला टेंशन भी जमा किया था, क्वेश्चन भी जमा किया था कि उसने किस सुर से यह बात की है। लेकिन मैं आज कहता हूं जनाब स्पीकर कि मुझ पर हमला करने वाले कौन थे और मैंने कहां पे इंटरव्यू दिया था। जनाब स्पीकर हमारे दोस्त जेलों में, हमारे दोस्त जो वो बात करती है इस मुल्क में जनाब स्पीकर, जो हक की बात करते हैं जनाब स्पीकर, जो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं जनाब स्पीकर, जो अपने इलाके के सफेद दाढ़ी वाले सुरगों की इज्जत की बात करते हैं जनाब स्पीकर, जो अपने इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो जनाब स्पीकर यहाँ पे उन लोगों को, यहाँ पे उन लोगों को गोली से मारा दिया जाता है जनाब स्पीकर। क्वेश्चन है हमारे जनाब स्पीकर, सवालात है हमारे, आप बंदों को टारगेट करके सवालात नहीं खत्म कर सकते जनाब स्पीकर, सवालात का जवाब दिया जाए। उसी दिन भी ऐसा मोदी ने इस बात पर यहां तक आ गए कि उसने लैंड माइन की बात की, इसमें क्या बुरी बात थी? लेकिन जनाब स्पीकर ये असेंबली ने आज साबित कर दिया, वजीरिस्तान के एक एमपीए को इस असेंबली से निकालने की बात की आपने, यहां पे करारदाद लाया गया जनाब स्पीकर। आपके पार्टी ने पीटीवी पे हमला किया, किसने करारदाद लाया जनाब स्पीकर? किसने वहां से बाहर निकाले आपको? यहाँ पे एक वजीरिस्तानी जब बोलता है तो आप उनको बाहर निकालते हैं जनाब स्पीकर, तो हमने क्या करना होगा? हमें क्या मैसेज दे रहे हैं जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर मैं ये वहां से कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी अदारे हैं ये इतने नाअहल नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये क्या हो रही है, ये कौन कर रहा है जनाब स्पीकर। लेकिन वजीरिस्तान में इतने चेकपोस्टों के बावजूद, इतने 35,000 फौजों के बावजूद, इतने इफ्सी के बावजूद जनाब स्पीकर वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है, एक आज के दिन तक पता ही नहीं चला, सिर्फ नामालूम का लफ्ज इस्तेमाल करके हमें वरगलाया जाता है जनाब स्पीकर। तो जनाब स्पीकर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम यहां पे इसलिए आए थे कि इस ऐवान में हमने आके अपने हलके की, अपने आवाम की नुमाइंदगी करना होगी जनाब स्पीकर। आप इससे अंदाजा लगाए कि एक मुंतखब नुमाइंदा अपने इलाके में आजाद नहीं घूम फिर सकता तो वहां के लोगों को क्या हाल होगी जनाब स्पीकर। 4 दिन पहले खैसूर में 2 भाइयों को फौज ने उठाया है, उसके एक बहन ने खुदकशी कर ली जनाब स्पीकर, उसको कौन इंसाफ देगा जनाब स्पीकर? हम इस मुल्क में आज मैं एक बार फिर वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि हम इस मुल्क में गुलामों की तरह कतई नहीं रहते जनाब स्पीकर, किसी कीमत पर गुलामों की तरह नहीं रहेंगे जनाब स्पीकर। इस मुल्क में जितनी भी बलादस्त तबकों के और बलादस्त कुमों को हक हासिल है, इतने हक हमें भी हासिल होना चाहिए जनाब स्पीकर। आज के दिन तक इस मुल्क में एक दायरा खींचा हुआ है कि उस पार खेल होगा, उस पार डांस होगा, उस पार कारोबार होगा, एजुकेशन होगा, किसका तखल्लुस है? पंजाब। और यहां पे जो पश्तूनख्वा कहलाता है, यहां पे जंग होगा, यहां पे बम ब्लास्ट होगा, यहां पे टारगेट किलिंग होगा। जनाब स्पीकर हमारे सरों पर कितने डॉलर चाहिए और हुकूमत को? अगर आप मजलूम कुमों को,
अगर आप मजलूम कौमों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे कलाम वजीर को टारगेट करे कि वो अपनी बात से हट जाए, आरिफ वजीर को टारगेट किया जाए कि वो अपने बात से हट जाए, ताहिर दावर को टारगेट किया जाए, तो जनाब स्पीकर ये आपकी और आपकी रियासती अदारों की गलती है जनाब स्पीकर, ये एक बड़ी गलती है जनाब स्पीकर। लोगों को मारने से कुछ नहीं होता जनाब स्पीकर। हमने हजारों के तादाद में मुशरान कुर्बान किए जनाब स्पीकर। लेकिन थैंक यू जनाब स्पीकर, लेकिन मैं इंड पे आता हूँ जनाब स्पीकर। कंक्लूजन ये है कि भाई कह रहा है कि बात खत्म कर दे जनाब स्पीकर, यहाँ पे बदकिस्मत ये है कि हम जो बात करते हैं, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर कि इस असेंबली का इस्तेकाक मचरू हुआ है, जो मुझ पर हमला हुआ है, 3 महीने 4 महीने पहले आपके पार्टी के एमपीए यहाँ पे बैठा होगा, सुबाई वजीर इकबाल वजीर पर भी हमला हुआ था जनाब स्पीकर, दूसरी जगहों पर ऐसा होता है, तो जनाब स्पीकर इस पर आपने क्या करना होगा? यहाँ पे एक वजीर खड़ा होकर मुझे जवाब देगा कि आपने दहशतगर्दी की बातें की, आपने हमारे फौज पर इल्जाम लगाए, आपने हमारे एजेंसी पर इल्जाम लगाए, ये ठीक नहीं किया जनाब स्पीकर। मुझे ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए जनाब स्पीकर। मैं बिल्कुल ये वाज तौर पर कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि अगर आप मजलूम कौमों को मारने की डर से अपने बातों से हटाना चाहते हैं जनाब स्पीकर, तो बिस्मिल्ला, हमारे सर मौजूद है जनाब स्पीकर, बिस्मिल्ला, हमें जिंदगी से कोई शौक नहीं है बाकी जनाब स्पीकर। जो जिस इलाके में हम रहते हैं, जो लैंड पाइन है, थैंक यू वेरी मच। जी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब।